फिर कब अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, फिर कब ट्रेनिंग होगी, कब ज्वाइनिंग होगी, कब वेतन मिलेगा, 6-8 महीने 9 महीने साल भर लग जाना इन सब चीजों के लिए आम बात होती है। लेकिन आप बीपीएससी के जो आपके पहले टीआरई राउंड वाले हैं, आप उनसे पूछेंगे तो उनकी भी काउंसलिंग इसी रफ्तार से हुई, ज्वाइनिंग हुई और उनको सैलरी भी मिल गई है करीब 80,000 टीचरों को आज की तारीख में। 20,000 जो बच गए हैं वो पहला चूंकि सैलरी होता है, प्राम का नंबर नहीं मिला है, एचआरएमएस का प्रॉब्लम है, आपको भी पहली सैलरी में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, प्राम नंबर जनरेट करना है, एचआरएमएस में सॉफ्टवेयर का अपलोड होना है, लेकिन जो भी है हम आपको सैलरी टाइम पे देंगे, आप टाइम से स्कूल पहुंच जाइए। हमें इंस्पेक्शन नहीं करना, हमें इंस्पेक्शन क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये हुआ था कि टीचर टाइम से नहीं जाते, पूरे टीचर नहीं जाते, 10 में से 5 छुट्टी पे रहते हैं, तो ये परंपरा बंद होनी चाहिए। अब बहुत हो गया, अब गांव के लोग, अभिभावक लोग, अच्छा जो अनपढ़ लोग हैं वो पूछते हैं हमसे कि साहब स्कूल में भेजा तो स्कूल में भी तो बच्चा दिन भर पूरी बांध कर रहा है, पढ़ाई कहां होगी। तो आजकल गांव में ग्रामीण जनता आशा करती है कि बच्चे को भेजना एक बात है, पर बच्चे के साथ हो क्या रहा है विद्यालय में, सिर्फ वहां भी खेल कूद ही कर रहा है पूरा टाइम, तो फायदा क्या है। तो होमवर्क दिया जाना चाहिए, टेस्ट लिया जाना चाहिए, हर हफ्ते मंथली एग्जाम लिया जाना चाहिए, ये हमारे बात कह रहे हैं, अब ये शुरू हो गया है, तो आपको ये करना है। गांव के लोग बड़ा सम्मान करते हैं अब टीचरों का, हमारे मेरा जो मैं जहां जहां इंस्पेक्शन में निकला हूँ, बीपीएससी के जो पहले राउंड के टीचर हैं उनको गांव घर दिलाने में गांव वालों ने ही भूमिका मदद की है कि घर के विद्यालय के बगल में घर ले लिया। तो मैं भी आपसे यही आशा करूंगा कि आप विद्यालय के अगल बगल ही रहें, जो भी आपका विद्यालय आवंटित होगा, ताकि कम्यूटिंग बच जाए। आप ऐसे काफी लोग सीतामढ़ी के होंगे, सीतामढ़ी के कितने लोग हैं देखिए, तो आप लोग अब शहर में रह रहे हैं, मान लीजिए आपको विद्यालय मिल जाता है यहाँ से 50 किलोमीटर दूर, तो अब रोज आपके लिए संभव नहीं है कि 50 किलोमीटर जाइए 50 किलोमीटर। तो हम हर जगह कहते आए हैं कि 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर आप घर ले लीजिए, तो ये जरूरी है। और बाकी लोग किस जिले से हैं, औरंगाबाद, मुंगेर, यूपी से भी होंगे कुछ लोग, झारखंड, वाराणसी और झांसी, ठीक, तो मतलब सब जगह के लोग हैं। तो आपको तो हमको ये बता, मिजोरम से भी है, दूसरी बात मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, शायद मुजफ्फरपुर में मैंने बोला होगा तो आप लोगों ने, यहाँ तो सोशल मीडिया है तो तुरंत पहुंच जाती है बात, कि मैंने कहा है गांव में जाना है तो पता चल गया होगा है। तो गांव में जो जाएगा, जब गांव में रहने को तैयार है वो आएगा, और जो गांव में नहीं रह सकता है तो ये नहीं कि सर हमको मेन सड़क पे दे दीजिए, हमको हाईवे के बगल में दे दीजिए, वो सब नहीं, ये सारा सिस्टम कंप्यूटर से बनेगा। तो कंप्यूटर को नहीं पता है कौन सा विद्यालय रोड के किनारे है, कौन सा विद्यालय रोड के अंदर है, ठीक है, कहाँ कितना जाना है, तो सब रैंडमाइज तरीके से होगा, कहीं कोई सिस्टम, मैं भी नहीं जानता हूँ कि आप लोग का कौन सा विद्यालय है। आज की तारीख में आपको सिर्फ ये पता है कि आप जिले में रहेंगे सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में कहाँ रहेंगे ये बाद में बताया जाएगा। तो मुझे यही आपको बताना था कि आपके जोश देख के, आपकी इस वक्त इतनी थकान के बावजूद मैं जो उत्साह देख रहा हूँ, मुझे बड़ी आशा है कि आप लोग गाँव में जाकर भी इसी उत्साह से पढ़ाएंगे। देखिए अभी मैं डीडीसी साहब और मुजफ्फरपुर से वो बात कर रहे थे, वहाँ पे उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कोई हमसे कुछ मांगने आता है स्कूटर गाड़ी तो हम उसको 2 घंटे के लिए देने में भी हिचकते हैं, लेकिन अभिभावक पेरेंट्स आपको अपना बच्चा 8 घंटे के लिए आपके हवाले करते हैं, अपनी सबसे प्रिय चीज, तो आपके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी, अगर आप उसे ठीक से संभालेंगे तो आपसे ज्यादा सम्मानित पेशा दुनिया में दूसरा है। और गांव क्या शहर, अभिभावक बड़ी इज्जत करते हैं, तो ये बड़ा नोबल प्रोफेशन है, आपको ये अडॉप्ट कर लेना है, ये मान लेना है कि आप शिक्षक ही रहेंगे, अब चाहे आज रहे, चाहे 20 साल बाद रहे, चाहे 30 साल बाद रहे, लेकिन रहेंगे आप शिक्षक, किसी ना किसी बच्चे को पढ़ेंगे, चाहे वो 5वीं का हो, 8वीं का हो, 12वीं का हो, चाहे ग्रेजुएट, ठीक।
तो मेरा ये कहना है कि आप जिस उत्साह से आपने योगदान दिया है इसको कंटिन्यू कर लिया। हम जैसा कि मैडम ने पहले कह दिया आपके प्रिंसिपल साहिबा ने, हम लोगों ने बड़ी तेजी से अपना काम किया, तो रिजल्ट निकला है, काउंसलिंग हो गई, तुरंत आपकी ट्रेनिंग शुरू हो गई, आपका नियुक्ति पत्र, पदोन्नति पत्र भी तुरंत दे दिया जाएगा, विद्यालय पदस्थापन भी जनवरी के मिडिल में हो जाएगी, आप लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक, तो ये अपने आप पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।